हेलो माय फैन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं हूं भिवानी सुजुकी में और यहां पर है 2023 की सुजुकी जिक्सर 155। यहां पर आपको जो है E20 वाला जो है अपग्रेड आ गया है, तो ये E20 का स्टिकर देख लो। तो ये E20 अपडेटेड वाली अपनी सुजुकी जिक्सर 155 है। तो 2023 में आपको जो एक नया कलर भी देखने को मिलता है, जो कि सेम आपको जिक्सर SF वाला देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले इसका प्राइस देख ले, तो एक शोरूम प्राइस इसका 1.41 लाख रुपीज़ है, एंड जो ऑन रोड जाते जाते जो है अप्रोक्स आपको 1.70 लाख की पड़ जाएगी। इतने में आपको जो एक परफेक्ट जो है एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक देखने को मिलती है। अब ये फीचर क्या कुछ जो आपको ऑफर करती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको जो है इस तरह का एक फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिलता है। तो इसकी जो हेडलाइट है एंड जो टेल लाइट है वो आपको LED में देखने को मिलती है। लेकिन जो टर्न सिग्नल है ना, वो आपको जो हैलोजन वाले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनको LED कर देना चाहिए। यहाँ पर जो नंबर प्लेट होल्डर है पहले अलग आता था, एंड यहाँ पर मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को याद है पहले ये वाला सेक्शन है ये भी ऐसा नहीं दिखता था, इसमें भी चेंज किया गया है। एंड अगर हम साइड से देखते हैं तो इस साइड से भाई आपको इस तरह दिखती है। तो ऑल ब्लैक है, यहाँ पर आपको जो है ऑल ब्लैक कलर स्कीम के साथ आपको जो है नियॉन ग्रीन के इसमें जो है स्ट्राइप्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको साइड में जिक्सर की ब्रांडिंग और यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो और टैंक के ऊपर आपको E20 का स्टिकर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको राइड कनेक्ट एडिशन, दैट मीन्स में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। तो फ्रंट में और रियर वाले व्हील पर आपको जो है रिम स्ट्राइप्स देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रंट में और रियर में आपको मिलते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील, ये इसमें ओपन चेन सिस्टम आता है। तो दैट मीन्स आपको इसको टाइम टू टाइम जो है क्लीन एंड लूप भी करना पड़ेगा। फ्रंट टायर का साइज है 100 मिलीमीटर और जो आपका रियर टायर है उसका साइज है 140 मिलीमीटर। तो आपको जो है भाई कॉर्नरिंग और जो स्टेबिलिटी है ना वो आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है। इसमें अगर हम ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS और फ्रंट में बाइब्रिकाफो पिस्टन ब्रेक कैलिपर, और जो डिस्प्लेट का साइज़ है वो है 266 मिलीमीटर और रियर का जो डिस्प्लेट का साइज़ है वो है 230 मिलीमीटर। रियर में आपको बाइब्रिका ट्विन पिस्टन ब्रेक कैलिपर और फ्रंट में 4 पिस्टन ब्रेक कैलिपर, ABS इसमें सिंगल चैनल ABS है। फ्रंट के मडगार्ड पर आपको जो है सुजुकी का लोगो भी देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन देखते हैं तो इसमें आपको मिलते हैं मैसिव 41 मिलीमीटर के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि भाई आपको जो है काफ़ी अच्छा कंफर्ट देंगे। रियर में आपको मिलता है एक मोनोशॉक सस्पेंशन जिसका प्रीलोड आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे में ना कोई बैली पैन वगैरह नहीं है जैसे कि जिक्सर में है, तो लुक थोड़ा सा अधूरा लगता है। तो बैली पैन ऐड कर दे तो बाइक पूरी पूरी हो जाएगी। और BS6 है तो भाई अपनी जो पाइप है इसकी बैंड पाइप वो नीचे से आ रही है। यहाँ पर आपको इंजन पर सुजुकी का लोगो भी देखने को मिल जाता है। इस तरह का आपको गियर लीवर देखने को मिलता है और इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, जब भी आपका साइड स्टैंड लगा हो तो बाइक गाड़ी जो आपकी गियर में स्टार्ट नहीं होगी, मेन स्टैंड है ताकि आप चेन वगैरह अच्छे से क्लीन कर सको। और हैंडल वगैरह देखते हैं तो भाई यहाँ पर आपको इस तरह के स्विच गेट देखने को मिलते हैं। फिलहाल जो है अपना बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो मीटर में आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इस तरह का मीटर है। मीटर में आपको गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो कॉल वगैरह आएगी या फिर टर्न बाय टर्न नेविगेशन और स्पीड वगैरह, मतलब एवरेज स्पीड और अपनी कब सर्विस होनी है ये टाइम वगैरह, वो जो नॉर्मल चीज़ है ना वही शो कर रहा है। यहाँ पर आपको इस तरह का ब्रेक लेवर और इस तरह का छोटा सा बार एंड भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पास बटन, हाई बिम लो बिम, टर्न सिग्नल, हॉर्न का, इंजन केल स्विच, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है। सिंगल पीस हैंडल बार है और इस तरह के इसके रियर भी मिरर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको स्टेप अप स्प्लिट सीट देखने को मिलेंगी और नीचे है इसका की होल पीछे वाली सीट अनलॉक करने के लिए। पीछे में आपको जस्ट स्प्लिट ग्रैब रेल देखने को मिलते हैं। एक बार मैं उस साइड से और दिखा दूँ आपको, इस तरह की आपको इसमें टेल लाइट देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर और ये इसके जो है हैलोजन वाले टर्न सिग्नल, पीछे में टायर हगर दे रखा है, एंड जो इसको डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, मिट्टी वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए रियर सस्पेंशन को, यहाँ पर आपको एक और गार्ड देखने को मिल जाएगा। इसमें मिलती है आपको बॉक्स टाइप सिंगम, एक और आपका कैटलेटिक कन्वर्टर यहाँ पर है और एक आगे नीचे है। यहाँ पर आपको इस तरह का जो है डुअल स्पॉट साइलेंसर देखने को मिलता है, काफ़ी स्पोर्टी है। इस पर आपको जो क्रोम का टचअप भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह का इसका जो पीछे राइडर का फुटपैग है, ये आपका गियर ब्रेक लीवर हो गया। यहाँ पर इस तरह से आपको जो है SCP सुजुकी इको परफॉर्मेंस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल जो आपने लुक देख ही लिया, बात करते हैं इंजन की, तो ये 155 cc का इंजन है, SOHC है, मतलब आपको सिंगल ओवर हेड कैमशाफ्ट देखने को मिलेगी। 5-speed गियर बॉक्स है, BS6 नॉर्म है, एयर कूल्ड इंजन है। मैक्सिमम पावर है इसकी 13.8 BHP, मैक्सिमम टॉर्क है 13.6 न्यूटन मीटर का, मतलब टॉर्क और जो इसकी हॉर्स पावर है लगभग सेम ही है। एंड अगर इसकी माइलेज के बारे में बात करें तो माइलेज आपको जो है मतलब 50-55 मिल जाएगी, लेकिन जो माइलेज है राइडर के राइडिंग स्टाइल एंड राइडिंग कंडीशन के ऊपर वेरी करता है, तो वो आप देख लेना। टॉप स्पीड कहीं ना कहीं आपकी जो है 120 से लेके 130 के आसपास मिल जाएगी। बाइक के जो एर्गोनॉमिक्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं सिटी में राइड करने के लिए, और लो मेंटेनेंस है, और चूँकि सुजुकी की गाड़ी जो है काफ़ी
अच्छी आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको मिरर पर भी अगेन कार्बन फाइबर की फिनिश देखने को मिल जाएगी, थोड़ा सा लुक इन्होंने देने के ट्राई किया है। तो जिक्सर SF और इसमें जो है खाली बॉडी का फ़र्क है, अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिया गया है और गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको जिक्सर 155 लेनी रहेगी E20 अपडेट के साथ तो ये भिवानी सुजुकी में अवेलेबल है। तो फिलहाल ये और भी कलर में आती है, जैसे कि रेड वाला भी हो गया, ब्लैक वाला भी हो गया, तीन चार कलर मतलब ये आते हैं। यहाँ पर आपका फ्रंट में है हॉर्न की प्लेसमेंट और लेग गार्ड वगैरह भी जो है एज एन एक्सेसरी मेरे हिसाब से लग जाएंगे। तो ये है अपना भिवानी सुजुकी। शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा होता है लाइक ज़रूर से करना, शेयर जरूर से करना भाई, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर से देना। और काफ़ी टाइम बाद जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो यार अभी आपका सपोर्ट चाहिए भाई, लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर से किया करो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।